गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हियर भारती शर्मा इज अगेन विद द स्टोरी टॉक। नाउ वी कंटिन्यू अवर द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। इन दिस स्टोरी वी हैव रेड दैट द फार्मर वॉज रनिंग इन अ हरी बिकॉज ऑल द थिंग्स वर टॉकिंग। ही मेट टू अ फिशर मैन इन बिटवीन एंड ही आस्क्ड व्हाट हैपेंड, सो ही टोल्ड हिम द होल स्टोरी। Now what happened next? That his fish trap also began to talk. Then the man in both the men were running and the fisherman said, "Is that all?" The man with the fish trap asked, "Is that so frightening?" So at last his fish trap also began to talk. Well, the man's fish trap said, "Did he take it off the stone?" अब जो फिशरमैन था, उसके सिर पे जो फिश का जाल था, मछली पकड़ने का जाल था, उसने भी बोलना शुरू कर दिया। वो भी बोला, उसने क्या बोला, "Did he take it off the stone?" मतलब जो उसने ब्रांच स्टोन पे रखी थी फार्मर ने, क्या वो उसने उस स्टोन पे से उठा ली, ऐसा फिश ट्रैप ने पूछा। देखिए, हियर इज अ पिक्चर, फिशरमैन इज हैविंग अ फिश ट्रैप एंड देर आर मेनी फिशेज इन इट ऑल्सो, ही कॉट फिशेज। So the fish trap also asked a question, "Did he take it off the stone?" Wow, the fisherman shouted. He threw the fish trap on the ground and began to run with the farmer and on the trail. They met a weaver with a bundle of clothes on his head. Now what happened? When the fish trap began to speak, the fisherman was surprised. He shouted and he threw the fish trap on the ground and he began to run with the farmer. जब fish trap ने बोलना शुरू कर दिया तो fisherman भी surprise हो गया, डर गया, और वो उस farmer के साथ दौड़ने लगा। On the trail, trail children given the meaning here, a route followed for a particular purpose. मतलब कोई रास्ता जिसपे हमें जाना है कि हमें वहां तक पहुंचना है, हमारा purpose पूरा करने के लिए। That is a route means way, रास्ता। तो they both began to run on trail. They met a weaver, वहां पे उसको उनको एक weaver मिला। Weaver means जो कपड़े बुनता है, कपड़े सिलता है, weaver with a bundle of clothes on his head, उसके सिर पर बहुत सारे कपड़ों का गट्ठर था। बंडल था मतलब कपड़ों का, बंधे हुए कपड़े का गट्ठर था। Where are you going in such a rush? He asked them. Now weaver asked to both of them, "Where are you going?" तुम कहाँ जा रहे हो इतनी तेज दौड़ते हुए? The farmer said, "My yarn." Now the whole story again. The farmer told to that weaver कि उसकी याम ने बोला मुझे अकेला छोड़ दो। Then the dog ने कहा कि याम की बात सुनो। फिर ट्री ने बोला कि उस ब्रांच को नीचे रखो। फिर ब्रांच ने कहा कि मुझे सॉफ्टली से नीचे रखना। फिर स्टोन ने बोला कि मेरे ऊपर से इसको उठा लो, ब्रांच को उठा लो। ये सारी स्टोरी वापस से फार्मर ने उस वीवर को सुनाई कि ये सारी चीजें बोल रही हैं। देन द फिशरमैन ऑल्सो कंटिन्यूड, द फिश ट्रैप सेड, कि फिश ट्रैप ने भी बोला, मेरे मछली के जाल ने भी बोला, "डिड ही टेक इट ऑफ द स्टोन?" उसने बताया कि क्या तुमने वो फिर वो लकड़ी उस स्टोन पर से उठाई कि नहीं उठाई, ऐसा फिश ट्रैप ने भी पूछा। "दैट्स नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट," द वीवर सेड, "नो रीजन एट ऑल." अब वीवर ने कहा, इसमें कुछ ऐसी आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, एक्साइट होने वाली बात नहीं है, इसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। ओ यस इट इज, हिज बंडल ऑफ क्लोथ्स सेड। अब सुनिए, वीवर के सिर पे जो बंडल था क्लोथ्स का, वो भी बोल पड़ा। उसने कहा, हाँ ऐसा ही है, इसमें कुछ भी ऐसी एक्साइटेडमेंट वाली बात नहीं है। इफ इट हैपन टू यू, यू हैड रन टू। अब उसने क्या बोला कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें भी दौड़ना पड़ता। किसने बोला? बंडल ऑफ क्लोथ्स ने बोला वीवर से कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें भी दौड़ना पड़ता, इसलिए उनके साथ हुआ, इसलिए इसमें कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। वाओ, द वीवर शाउटेड। नाउ द वीवर ऑल्सो बिकम सरप्राइज्ड। व्हाई? बिकॉज हिज बंडल ऑफ क्लोथ्स ऑल्सो बिगिन टू स्टार्ट टॉकिंग। He threw his bundle on the trail and started running with the other men. Now, उसने क्या किया? उसने भी अपने bundle of clothes को फेंक दिया रास्ते में और वो उन दोनों के साथ दौड़ने लगा।
So children, today we will read this story till here and we will continue it tomorrow.